विलियम ने टूर गाइड प्रेम को उसके ग्रुप की एक सीट के लिए डबल पैसे दिए और कहा, अपनी बीवी के लिए चार चीजें ज्यादा खरीद लेना और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अपने परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रेम ने देखा कि इस आदमी ने पहली बार उसके साथ इतनी बात की थी और ये बात विलियम ने काफी इमोशनल तरीके से कही थी। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, सिर्फ शादीशुदा आदमी ही औरतों के दुख को समझ सकता है। लगता है आपने भी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा होगा, है ना? ये सुनते ही विलियम की आंखों में निराशा के बादल छाने लगे। काफी देर तक वो कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर में उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। प्रेम को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जैसे आदमी की पत्नी को किसी चीज की कमी नहीं रही होगी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अचानक विलियम ने कहा, मैंने उसे मार दिया था। 4 साल पहले अपने हाथों से मैंने उसका खून कर दिया। ये सुनते ही प्रेम घबराकर 2 कदम पीछे चला गया। उसने विलियम के दिए हुए 1,000 यूरो तुरंत उसे वापस देते हुए कहा, मुझे अभी याद आया, उस लेडी ने 3 सीट्स बुक की हैं, तो आपके लिए कोई सीट बची ही नहीं। सॉरी, मेरे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। विलियम ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारे ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं करने वाला था, मुझे यहाँ कुछ और काम है। प्रेम ने अपना सर नामे हिलाया और पैसे वापस विलियम के पॉकेट में रखते हुए कहा, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, मैंने झूठ नहीं कहा था। रोम सच में पवित्रता और प्यार का प्रतीक है। ऐसी जगह पर किसी प्यार के दुश्मन को सहते जाना सही नहीं होगा। अतीत में आपके और आपकी पत्नी के बीच क्या हुआ था, इसके बारे में पूछने का मुझे कोई हक नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा कि आपकी पत्नी की जो भी गलती थी उसके लिए आपको उन्हें ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी। अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ आई थी, अगर वो आपको पसंद नहीं थी तो आपने उसके साथ शादी ही क्यों की? ये कहने के बाद भी प्रेम ने काफी कुछ बोला। विलियम उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ अंतरा रूम में पहुंच चुकी थी और फिर एक बार उसे रिसेप्शन से कॉल आया। अब तो टूर गाइड आ गया है, अब क्या प्रॉब्लम है? अंतरा ने फोन पर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने शर्मिंदगी से कहा, आपको फिर से डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी मिस जेनी, पर एक गेस्ट ने चेक इन किया है और वो रूम नंबर 607 में रहने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बस आपसे यही पूछना था कि क्या आप रूम नंबर 606 में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं? दोनों रूम बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि उसने इस होटल में रुककर गलती कर दी है। उसे इन होटल वालों के लिए ट्रांसलेटर तो बनना ही पड़ा था, पर अब वो लोग उसे अपना रूम बदलने के लिए भी कह रहे हैं। अंतरा ने तुरंत मना कर दिया, अगर आपके दोनों रूम सेम है तो आप लोग मुझे रूम चेंज करने के बदले अपने नए गेस्ट को दूसरे रूम में स्टे करने के लिए क्यों नहीं बोलते? वैसे भी पहले मैंने ये रूम बुक किया था, इसलिए मैं इस रूम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, नो प्रॉब्लम मैम, अगेन सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इतना कहने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया और विलियम को फाइनल डिसीजन बता दिया। सॉरी सर, रूम नंबर 607 के गेस्ट रूम चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। अगर फिर भी आपको वही नंबर का रूम चाहिए तो फिर आपको किसी दूसरे होटल में ट्राई करना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने फैसला किया, ठीक है, फिर 606 में ही मेरा लगेज भिजवा दीजिए। दूसरी तरफ अंतरा को थोड़ा अजीब लग रहा था। इस होटल में उसके अलावा कोई और भी था जो खास रूम नंबर 607 में रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक की बात हो गई। अंतरा ये सब सोच रही थी कि तभी किसी ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंतरा ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। पराए देश में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना ठीक था। हालांकि जवाब में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं हूं तुम्हारा स्मार्ट हैंडसम दोस्त ऋषभ मलिक। ये सुनकर अंतरा हंस पड़ी और उसने जाकर दरवाजा खोला। अंदर आते ही ऋषभ पूरे कमरे में नजर घुमाते हुए सूंघने लगा। अंतरा ने हंसते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूँ कि तुमने किसी और आदमी को तो अपने कमरे में नहीं छुपा रखा, ऋषभ ने ये कहा और फिर सोफे पर गिर गया। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने कहा,
मैं तो थक गया यार। अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि उसने ऐसा भी क्या काम किया कि वो थक गया। ऋषभ ने कहा, बुजुर्गों को अब्रॉड घुमाने लाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे मामा के लिए मैंने खाना ऑर्डर किया था पर उन्हें पसंद ही नहीं आया। अब उन्हें भूखा तो नहीं रख सकता, इसलिए मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट गया और वहां से उनके लिए खाना पार्सल लेकर आया, तब जाकर उन्हें चैन मिला। ये सुनकर अंतरा को गिल्टी फील हुआ। सॉरी, ये काम मेरा था, फिर भी तुम्हें करना पड़ा। इतना बोलकर अंतरा ने अपना वॉलेट उठाया और कहा, इसका कितना पैसा हुआ ये बता दो, मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। ऋषभ ने तुरंत अंतरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बात कर रही हो, अब तुम मुझे खाने के पैसे दोगी? हम दोनों का कोई रिश्ता है या नहीं? ऋषभ के हाथ में अंतरा की कोमल हथेली थी। पिछले 3 साल से अंतरा सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, ना उसे घर का कोई काम करने की झंझट थी और ना ही पैसे कमाने की जरूरत। अंतरा का नाजुक हाथ छोड़ने का ऋषभ का कोई इरादा नहीं था, पर अंतरा ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। जो भी हो, पर इस तरह से मैं तुमसे फेवर नहीं ले सकती, अगर ये पैसे कम है तो बता देना। ये बोलते हुए अंतरा ने ऋषभ के हाथ में पैसे थमा दिए। ये देखकर ऋषभ का हाथ कुछ पल के लिए जम गया, फिर उसने नाराजगी से वो पैसे अंतरा की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे पास पैसों की कमी है जो तुम मुझे पैसे दे रही हो। अंतरा ने उसे समझाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे मामा के लिए तुम्हें स्पेशली खाना लेने जाना पड़ा, ऊपर से पैसे भी तुम पे करो, ये तो गलत बात हो जाएगी। ऋषभ चढ़ गया। तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो अंतरा? अंतरा ने उससे कहा, मैं फॉर्मल नहीं हो रही हूँ, मैं खुद भी पैसे कमाती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती। ये सुनकर ऋषभ बोल पड़ा, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। ये सुनते ही अंतरा दंग रह गई। इस बात का आमतौर पर कुछ और ही मतलब होता है। अंतरा शर्मिंदा हो गई, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम कभी कभी बहुत अच्छे जोक मारते हो। ऋषभ ने भी कह दिया, जोक मारने के अलावा मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है ऋषभ मलिक द ग्रेट कार डिजाइनर इन द वर्ल्ड, इतनी तारीफ काफी है या और करूं? ये सुनकर ऋषभ को थोड़ा अच्छा लगा, हालांकि उसे पता था कि भले ही अंतरा हमेशा उसकी तारीफ करती थी पर वो अभी भी उसे पसंद नहीं करती, वो उसे बस एक अच्छा दोस्त मानती थी। अंतरा उसके साथ दोस्ती से आगे कभी नहीं बढ़ना चाहती थी। इस बात का एहसास होते ही ऋषभ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद वो अब तक अंतरा का दिल जीतने में कामयाब नहीं रहा था। अंतरा ने देखा कि ऋषभ काफी देर से कुछ बोला नहीं, इसलिए उसे टॉपिक बदलने का मौका मिल गया। बाय द वे, कल मैं मामा को एक टूर ग्रुप के साथ रोम घुमाने ले जाने का सोच रही हूँ। ये सुनते ही ऋषभ की भौहें सिकुड़ गईं। टूर ग्रुप, वो तुम्हें कहाँ मिला? अंतरा ने बताया कि कैसे उसे होटल की लॉबी में एक इंडियन टूर गाइड मिला था। ऋषभ ने अंतरा को सलाह दी कि टूर गाइड झूठे होते हैं, वो लोग ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और ना जाने क्या क्या। अंतरा ने कहा, मुझे तो वो झूठा नहीं लगा, और वैसे भी उसके ग्रुप में सब बुजुर्ग लोग हैं, मामा की उम्र के लोग रहेंगे तो उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी, और टूर गाइड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में काफी डिटेल में समझाते हैं। ऋषभ ने तुरंत नकार दिया, डिटेल में? हाँ, वो लोग एकदम बकवास बातें करते हैं, अगर तुम्हें टूरिस्ट प्लेसेस की डिटेल में जानकारी सुननी है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी रोमन हिस्ट्री बताऊंगा। ये सुनकर अंतरा चौंक गई, तुम्हें रोमन हिस्ट्री के बारे में भी पता है? ऋषभ ने अपने कॉलर ऊपर करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे सिर्फ कार्स डिजाइन करना आता है? खैर, मुद्दे की बात यह है कि तुम उस टूर ग्रुप के साथ बुकिंग मत करना, मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, और किसी ट्रैवल एजेंसी से तो अच्छा ही अरेंजमेंट करूंगा। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मना करे। पिछले 4 सालों में ऋषभ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, अगर उस रात ऋषभ नहीं होता तो अंतरा ने अपनी मां की तरह ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया होता। ऋषभ के लिए अंतरा के दिल में सराहना थी, दोस्ती थी, हालांकि अंतरा के दिल ने अपने आसपास एक दीवार बना ली थी ताकि उसके दिल में कोई जगह ना बना सके। अंतरा को डर था
कि अब वो दीवार शायद कभी नहीं टूट पाएगी। अंतरा ने खुद को इन सब ख्यालों से बाहर निकाला और ऋषभ को मना करते हुए कहा, तुम्हें अपना काम भी तो देखना है। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ चलने के लिए नहीं कह सकती ना, और मेरे मामा का नेचर भी थोड़ा ऐसा ही है। अगर तुम साथ में रहे तो वो कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो बेहतर है कि मैं ही अपने मामा को लेकर जाऊं। ऋषभ ने तुरंत पूछा, मेरे साथ तुम्हारे मामा कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे या तुम नहीं रह पाओगी? अंतरा ने सोचा नहीं था कि ऋषभ इस तरह से सीधा सवाल कर लेगा। वो थोड़ी देर के लिए दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऋषभ चिढ़ गया था। इतने सालों से अपने दिल में दबाकर रखी बातें उसके मुंह से निकलना शुरू हो गईं। अंतरा, तुम्हें पता है कि आज तक मुझे तुम्हें जेनी कहने की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा अंतरा ही रहोगी। तुम मेरे सामने सिर्फ ना समझ होने का नाटक करती हो, और मुझे यह भी अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती से आगे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मुझे खुद को भी कभी कभी यह लगता है कि इतनी बार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी बेशर्मों की तरह मैं वापस तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता हूं। भले ही मैं चेहरे पर यह दिखाता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मुझे कितना बुरा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि पिछले जन्म में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे तुम्हारे हाथों इतना टॉर्चर होना पड़ रहा है। ऋषभ, मैं अंतरा सफाई देने जा रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे रोक दिया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद सफाई देना। और अब बहुत हो गया, आज हमें किसी नतीजे पर आना ही पड़ेगा। अंतरा ऋषभ को इतने सालों से जानती थी, इसलिए वो उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि अगर आज उसने ऋषभ की बात नहीं सुनी तो वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उसने चुप रहकर सहमत होने का इशारा दे दिया। ऋषभ के अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसने अपनी बात शुरू की, याद है ना 4 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें चुरा ली।